उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। कानपुर के सीसामऊ से आज अखिलेश और केशव प्रसाद दोनों प्रचार के लिए कल पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच जुबानी जंग एक बार फिर देखने को मिली। अखिलेश यादव ने जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार को घेरा, वहीं केशव मौर्य ने अखिलेश की कुंडली खोल दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश की कुंडली में 2047 तक मुख्यमंत्री बनने का कोई योग ही नहीं है। कांग्रेस मुक्त हर देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर। न केवल इस चुनाव में हराएंगे बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। चुनावी रण में एक बार फिर सियासी धुर विरोधी आमने सामने टकरा गए। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों कानपुर के सीतामऊ सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। एक ने वार किया तो दूसरे ने पलटवार। अखिलेश ने बुलडोजर को गैराज में खड़ा करने की बात कही तो केशव प्रसाद मौर्य ने पंचर साइकिल को। अब उनके मन में पिछड़ों के लिए खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वह जब सदन में खड़े होते हैं, सुना है किसी ने कई भाषण सुना है? जिन लोगों ने भाषण उनका सुना होगा, उनके कार्यकाल में जो कारनामे हुए थे, केवल उनको उजागर करने का काम होता है तो अपना आपा खो देते। अखिलेश ने कहा कि जनता बीजेपी को उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 चुनाव में भी हराएगी। और न केवल इस चुनाव में हराएंगे बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की कुंडली बता दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2047 तक अखिलेश की कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं है। 2027 चुनाव तो बस शुरुआत है। लेकिन हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी और बता दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। और 2000 ये तो 24 है, 2027 में फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने जा रही है। जब मैं श्री अखिलेश यादव जी को एक बार माननीय खन्ना जी सदन में मौजूद थे, वहां मैंने कहा एक हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कानेपुर के, उन्होंने बताया कि 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। एक और अखिलेश यादव सीतामऊ में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष उनके गढ़ करहल में जीत का दावा करते नजर आए। निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है, हमने पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता के बीच में, हमारी सरकार में जो काम किए हैं, 7 साल का प्रदेश सरकार ने, 10 साल का हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसका पूरा लेखा जो लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता हैं और मुझे विश्वास है इस बार इतिहास बनेगा। कुल मिलाकर उपचुनाव का घमासान जोर पर है, वार पलटवार के बीच दावे और वादे भी हैं, लेकिन जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की कुंडली बताई है, जाहिर है घमासान और तेज होगा। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।